Hello dear students welcome to my channel npc gyan bhandar subscribe my channel npc gyan bhandar and also tap the bell button for updates myself nirmal Prajapati online classes by npc gyan bhandar class 5 to 10 subject math science and computer of any boards ICSC, CBSC, Jack or any state board of English medium. Class 11th and 12th subject Physics, Math, and Computer Science. Of any board ICSC, CBSC, Jack or any state board of English medium. For more information, contact on my WhatsApp number 9431703940. And note personal online video classes also given here that are chargeable. कोविड नाइन्टीन स्टे एट होम स्टडी एट होम ये क्लास फोर सी बी एस ई कंप्यूटर चैप्टर वन है ओके okay? इसमें हम लोग कंप्यूटर के बारे जानेंगे कंप्यूटर अ मशीन कंप्यूटर जो कि एक मशीन है ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ओके इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं इसमें इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मशीन्स एंड द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहा गया है ओके okay? तो एक एक्टिविटी है देखिए एक्टिविटी क्या है देखते हैं चलिए लिस्ट द नेम्स ऑफ वेरियस मशीन्स दैट यू फाइंड अराउंड यू एट होम और इन स्कूल अंडर द करेक्ट कॉलम एंड ऑल्सो राइट वाट द मशीन नीड टू परफॉर्म द डिजायर्ड वर्क डिजायर्ड वर्क मतलब टास्क मतलब ऐसे मशीन्स का नाम लिस्ट में लिखने बोल रहा है जो आप अपने घरों में देखते हैं अपने घरों के आसपास देखते हैं अपने स्कूल्स में देखे हैं ओके उसे यू अंडर दी करेक्ट कॉलम करेक्ट कॉलम में लिखना है मशीन्स नेम में मशीन्स नेम लिखना है और उसको क्या चीज़ चाहिए वर्क करने के लिए वो चीज़ लिखना है ओके तो बहुत सारा मशीन्स है उसको आपको खुद से करना है मशीन्स का नेम लिखना है उसको क्या चीज़ ज़रूरत है उस टास्क को करने के लिए जैसे जैसे एक लिखा हुआ है फ्रिज ओके okay? तो फ्रिज के लिए क्या चीज़ चाहिए फ्रिज के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी और उसमें क्या चाहिए फिर उसमें फ्रेश फूड भी होना चाहिए तब वो वर्क करेगा ओके okay? तो इस तरह से फिर अपने स्कूल में आप लोग देखे होंगे फ़ैन फ़ैन भी एक मशीन है तो फ़ैन को क्या चाहिए इलेक्ट्रिसिटी ओके okay? तो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है वो तो इस तरह से बहुत सारा मशीनस है उसको आपको खुद से लिखना है ओके नेक्स्ट ऑल मशीन्स वर्क ऑन इंस्ट्रक्शंस गिवेंट टू देम और सारा मशीन जो है वर्क करता है किस पे इंस्ट्रक्शंस पे जो हम लोग उसको देते हैं जैसे हम लोग फ़ैन फ़ैन कब ऑन होता है जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं ओके okay? इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं तो स्विच ऑन करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिए उसको इंस्ट्रक्शंस दिए मतलब वही स्विच ऑन करना ही एक इंस्ट्रक्शंस हो गया उसके लिए ठीक कि ऑन होना है तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट एक एक्टिविटी है ओके लेट्स प्ले साइमन सेज साइमन कहता है खेलने के लिए ओके नोट फॉर द टीचर साइमन सेज साइमन सेज इज अ गेम वेयर वन प्लेयर डेस्टिनेटेड डेस्टिनेटेड एज साइमन इज अपॉइंटेड एज द टीचर ओके एक गेम है जो वन एक प्लेयर है जिसको एक टीचर अपॉइंट किया गया है ओके okay? इंस्ट्रक्ट अनदर प्लेयर वो क्या करेगा इंस्ट्रक्ट देगा दूसरे प्लेयर को ओके okay? और द अदर हैव टू ओवे द एंड फॉलो कमांड गिवेन बाई साइमन और दूसरा बच्चा जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा ये जो साइमन जो ऑर्डर देगा उसको उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसको उसके कमांड को फॉलो करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा बात को द प्लेयर हु इज़ नॉट एबल टू कम्प्लीटली फॉलो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इज एलिमिनेटेड एंड द लास्ट वन इज रिमेन इज़ द विनर ओके और जो प्लेयर उसके काम को नहीं मान सकता है कम्प्लीटली और नहीं कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करेगा वो गेम से एलिमिनेट हो जाएगा बाहर हो जाएगा और जो लास्ट वन जब अकेला बचेगा वो विनर होगा गेम का ओके टीचर हैज टू प्ले द रोल ऑफ साइमन एंड गिव इंस्ट्रक्शंस लाइक स्टैंड अप टीचर एक प्ले रोल करता है साइमन के साइमन uh, ओर से और उसे इंस्ट्रक्शंस देता है ओके okay? कि स्टैंड अप तो स्टैंड सिट डाउन रोल योर हैंड्स 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 ऑन योर वेस्ट क्लोज योर आईज एट्सट्रा इस तरह से कमा इंस्ट्रक्शंस देता है एट दी एंड टीचर मस्ट एक्सप्लेन दैट वी लिसन टू इंस्ट्रक्शंस थिंक एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवेन और टीचर बताता है कि कौन कैसे इंस्ट्रक्शंस को सुना फिर उसको सोचा फिर अप्रोप्रिएट एक्शन किया ओके okay, मतलब पहले सुनते हैं सपोज आ, कमा इंस्ट्रक्शंस आया कि स्टैंड अप इस्टअप मतलब खड़ा हो जाना है ओके okay, सोचना पड़ता है इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है एक सेकंड का ओके सिट डाउन सिट डाउन का मतलब बैठ जाना है ओके तो इस तरह से ये गेम है यही गेम सेम कंप्यूटर के साथ होता है ओके कंप्यूटर यहाँ क्या करता है कंप्यूटर और यूजर मतलब कंप्यूटर जो यूज कर रहा है वो यूजर होता है और कंप्यूटर एक मशीन होता है तो यूजर क्या करता है कंप्यूटर को कमांड देता है इंस्ट्रक्शंस देता है और कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है ओके तो इस गेम का मेन मोटो वही था कि इसको समझना कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है नेक्स्ट है चलिए इसको पढ़ते हैं टोवो टोबो एक टोबो बोलता है डोबो वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी टोबो डोबो को पूछता है कि तुमको ए, क्या तुमको मेरे साथ खेलना पसंद है डोबो बोलता है व्हाट गेम कौन सा गेम टोबो बोलता है रिडल गेम टोबो बोलता है रिडल गेम ओके तो डोबो बोलता है ओके लेट्स प्ले तो चलिए खेलते हैं तो एक्टिविटी एक है चलिए एक्टिविटी को भी देखते हैं क्या है एक्टिविटी, एक्टिविटी है आई एम योर पेरेंटल ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स ओनली सन आई एम योर फादर ओके तो फादर होगा ए मेजिशियन एंड ए बॉय वेर फिशिंग एक मैजिशियन और एक बॉय फिशिंग कर रहा है द बॉय वाज द मेजिशियन सन्स जो बॉय है वो मैजिशियंस का सन है ओके बट द मेजिशियन वाज नॉट बॉयज फादर तो जो मैजशियन है वो बॉयज का फादर नहीं है तो हु वाज द मेजिशियन मेजिशियन कौन है मदर हो सकती है मैसेन का बेटा है बेटा है लेकिन वो फादर नहीं है तो फादर के अलावा कौन हो सकता मदर हो सकती है और एड थर्टी फोर एंड फिफ्टीन तो कितना हो जाएगा ये फोर्टी नाइन तो राइट द दे स्टेप्स दैट यू थिंक डोबो फॉलो टू सॉल्व दिज रिडल्स तो ये रिडल्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया होगा डोबो तो ये बताना है ओके ये स्टेप वन वो क्या किया होगा पहले तो सुना होगा लिसन सुना होगा ओके दूसरा स्टेप्स क्या क्या होगा न, थिंग मतलब प्रोसेस क्या होगा कि वो कैसे किसके साथ कौन सा रिलेशन है उसको प्रोसेस किया होगा चेक किया होगा उसके बाद स्टेप थ्री क्या होगा वो आंसर दिया होगा तो वो आउटपुट हुआ होगा ओके तो कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है पहले क्या करता है सुनता है कुछ भी चीज़ लेता है इनपुट की ओर से इनपुट के रूप में ओके फिर उसको प्रोसेस करता है फिर आउटपुट देता है तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है इन ऑर्डर टू सॉल्व द एब रीडर वी रीड द इंफॉर्मेशन एंड फॉलोड द इंस्ट्रक्शन गिवेन बाई द गिवेन इन द इंफॉर्मेशन इस रीडल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा पहले इन्फॉर्मेशन को रीड करना पड़ा फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ा फिर गिव द इंफॉर्मेशन और गिव इन द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन देना जो दिया हुआ उसमें उसको इन्फॉर्मेशन को रीड करना पड़ा और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देन वी एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड गेव द एंसर उसके बाद क्या करें हम लोग एनालाइज किए और फिर एंसर दिए तो देखिए वहाँ लिखा हुआ है एक बॉक्स में बना करके सी हेयर फील स्मेल और टेस्ट ओके थिंक एंड डिसाइड फिर राइट टेक एक्शन एक्सप्रेस तो ये सब क्या है जो लेफ्ट साइड में है सी हेयर फील स्मेल टेस्ट ये सब इनपुट है एक तरह से ये सब हम लोग इसको क्या इंफॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शंस है ओके फिर हम लोग थिंक और डिसाइड किए प्रोसेस किए मतलब उसको फिर क्या किए स्पीक राइट टेक एक्शन और एक्सप्रेस ये सब क्या है ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि आउटपुट के रूप में काम करता है ओके तो चलिए आगे पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन ह्यूमंस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन ह्यूमंस ह्यूमंस में कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है डैड डोबो हरियफ फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क डैड बोलते हैं डोबो को कि हरियफ जल्दी करो फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो आफ्टर दैट यू कैन चैट विथ योर कजिन एंड लेटर ऑन यू मे हेल्प योर मदर उसके बाद ही तुम अपने कजिन से चैट कर सकते हो और उसके बाद अपनी मदर को हेल्प कर सकते हो ओके तो डोबो ओह डैड आई विल डेफिनेटली फॉरगेट समथिंग और डैड मैं कुछ डेफिनेटली कुछ भूल चुका हूँ सो मैनी थिंग्स टू डू कि मुझे इतना चीज़ करना है एट टाइम्स आई वॉन्ट हाउ ए कम्प्यूटर कैन डू सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम विदाउट गेटिंग कन्फ्यूज तो उसी तरह कैसे कंप्यूटर बिना कन्फ्यूज हुए एक साथ बहुत सारा काम कर लेता है ओके डैड ओह इट्स सो सिंपल एज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम वी टेक क्लूज थिंक डिसाइड एंड देन टेल द एंसर ओके ये तो ओह ये बहुत आसान है ओके एज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम जैसा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं क्लूज ले, लेते हैं सोचते हैं डिसाइड करते हैं फिर आंसर देते हैं द सेम वे कंप्यूटर डज दर्क फॉर अस इसी तरह से कंप्यूटर भी हमारे कामों को करता है डोबो डोबो पूछता है हाउ कैसे डैड वाट एवर यू वाट एवर इज़ रिसीव्ड बाई आवर ब्रेन थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स क्या पता है बच्चों आइज ईयर्स नोज स्किन टंग इज थ्रू थ्रू बाई आवर ब्रेन एंड इज कॉल्ड इनपुट्स वट वाट डज आवर ब्रेन डू डेट बोलते हैं uh, जो चीज़ जो हमारे ब्रेन द्वारा रिसीव किया गया सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो रिसीव किया गया ब्रेन तक पहुंचाया गया ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है और ब्रेंस के लिए क्या हो गया इनपुट हो गया ओके okay? और उसका ब्रेन क्या करता है डोबो आवर ब्रेन हेल्प अस टू थिंक डिसाइड एक्ट एंड लर्न हमारा ब्रेन हमें क्या करता है सोचने डिसाइड करने एक्ट करने और लर्न करने की लर्न करने में मदद करता है डेड करेक्ट वाट एवर एक्शन वी टेक एज ए रिजल्ट ऑफ सिग्नल फ्रॉम आवर ब्रेन इज कॉल्ड द आउटपुट तो जो ब्रेन से सिग्नल आया हमारे सेंस ऑर्गन्स तक या फिर हमारे बॉडी में जो एक्शन का जो सिग्नल आया कि क्या चीज़ करना है वो हमारे लिए क्या हो गया आउटपुट हो गया जो रिज़ल्ट आया वो आउटपुट हो गया इन द सेम वे कंप्यूटर डज द वर्क तो कंप्यूटर भी इसी तरह वर्क करता है तो रिमेंबर में दिया हुआ है क्या देखते हैं चलिए द कमांड्स गिवेंट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस जो कमांड्स हम लोग देते हैं कंप्यूटर को उस सबको कंप्यूटर क्या समझता है कंप्यूटर के लिए वो क्या हो गया इंस्ट्रक्शंस हो गया ओके द वैल्यूज ऑन विच द कमांड्स आर टू बी परफोर्म्ड आर कॉल्ड डेटा जो वैल्यूज जिसमें कमांड लिखे हुए हैं जिसमें कमांड परफॉर्म हुए हैं ओके वो क्या कहलाएंगे डेटा कहलाएंगे डेटा कैन बी नंबर्स और वर्ड्स डेटा कोई नंबर भी हो सकता है कोई अल्फाबेट डी भी हो सकता है कोई नंबर्स भी हो सकता है ओके और कोई वर्ड्स भी हो सकता है तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस तरह से आप देख रहे हैं इनपुट होता है इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवेन बाय दी गिवेन टू द कंप्यूटर इनपुट क्या होता है जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को दिए ओके okay, वो उसके लिए इनपुट हो गया प्रोसेस क्या होता है सॉल्विंग द गिवेन प्रॉब्लम वो प्रोसेस हो गया और रिजल्ट आउटपुट ओके तो डेड डैड बोलते हैं द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर फॉर्म्स द इनपुट जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को दिए जो इंफॉर्मेशन दिए कंप्यूटर को उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को उसके लिए वो क्या हो गया उसके लिए कंप्यूटर के लिए इनपुट हो गया डोवो देन व्हाट इज प्रोसेसिंग तो प्रोसेसिंग क्या है पूछता है डोवो ओके डैड डैड बताते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम वी थिंक एंड डिसाइड सेम वे द कंप्यूटर कैलकुलेट्स कॉम्पेयर्स एंड द gives रिजल्ट ओके एंड then गिव्स द रिजल्ट द रिज़ल्ट गिवन by द कंप्यूटर इज़ द आउटपुट जिस तरह और उसके बाद जिस तरह हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं डिसाइड डिसीजन लेते हैं उसी तरह कंप्यूटर भी क्या करता है पहले इनपुट्स को कैलकुलेट करता है कंपेयर करता है उसके बाद ही रिजल्ट देता है द रिज़ल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर इज़ द आउटपुट और जो रिज़ल्ट दिया कंप्यूटर वो क्या हो गया आउटपुट हो गया ओके okay? तो डू यू नो में दिया हुआ है चलिए देखते हैं क्या है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन एक मोर देन ट्वेंटी सेवन टन एंड टुक अप एटीन हंड्रेड स्क्वायर फिट वाट अबाउट द साइज ऑफ द रूम जो कि एक रूम के बराबर है पहला जो कंप्यूटर था इनाएक ओके okay, वो उसका वेट कितना था ट्वेंटी सेवन टन और वो कितना जगह लेता था 1800 स्क्वायर फीट जो कि एक रूम के बराबर था ओके ये पहला कंप्यूटर था और आजकल का कंप्यूटर देख रहे हैं आप एक टेबल में यूज कर रहे हैं यहाँ तक एक हाथ में यूज कर रहे हैं ओके जो फोन है ये भी एक कंप्यूटर ही है तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो एक 27 टन था बच्चों याद रखिएगा ये जो कि पूरा एक रूम लेता था ओके तो नेक्स्ट है एक्टिविटी को देखते हैं चलिए राइट द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट फॉर एनी थ्री मशीन्स डैट यू कैन फाइंड अराउंड योर अंडर दी करेक्ट कॉलम ओके तो मशीन्स का नाम लिखना है उसके लिए क्या इनपुट है क्या प्रोसेस करता है और क्या आउटपुट है ओके okay? तो जैसे मिक्सर ग्रेंडर का लिखा हुआ है मिक्सर ग्रेंडर के लिए क्या इनपुट है जो जो चीज़ें हम लोग मिक्सर ग्रिंडर में डालते हैं वो इनपुट हो गया प्रोसेस क्या करता है वो ग्रिंडिंग करता है ग्रिंड मतलब मसाला ग्रिंड करता है मतलब मसाला को पेस्ट बनाता है ओके okay? और उसके बाद फिर क्या करता है आउटपुट आउटपुट क्या देता है सपोज हम लोग जूसी बना रहे हैं तो इनपुट हो गया फ्रूट्स और प्रोसेस हुआ ग्रेंडिंग और आउटपुट हो गया फ्रूट जूस ओके तो इस तरह से अपने मशीन्स का इनपुट्स प्रोसेस और आउटपुट लिख सकते हैं आप उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क व्हाट विल बी द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर इस एक्शंस के लिए क्या क्या इनपुट है क्या प्रोसेस है क्या आउटपुट है बताना है, टाइपिंग नंबर्स ये क्या है इनपुट है कंप्यूटर के लिए अरेंजिंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर ये क्या प्रोसेस है प्रिंट ए पिक्चर ये आउटपुट है प्लेइंग अ सॉन्ग ये क्या है प्लेइंग अ सॉन्ग ये प्रोसेस है और आउटपुट भी हो सकता है ये आउटपुट भी होगा ओके फिर कापिंग द कापिंग ए ड्राॅइंगपिंग ड्रॉइंग फ्रॉम पेन ड्राइव टू कंप्यूटर ये क्या है प्रोसेस है ओके पेन ड्राइव से लेकर के क्या कर रहा है प्रोसेस भी कर रहा है और इनपुट भी ले रहा है दो चीज़ होगा इसमें इनपुट भी होगा प्रोसेस भी होगा ओके okay? तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को ऑब्जर्व करना है क्लासिफाई देम इनटू इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड राइट द नेम इन द गि इन द अप्रोप्रिएट कॉलम यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवेन बिलो ओके हेल्प बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं आप तो देखिए फर्स्ट जो है क्या है कीबोर्ड है ओके की बोर्ड है ओके okay? इसका यूज क्या होता है ये इनपुट डिवाइस है फिर सेकंड क्या है स्पीकर है जो आउटपुट डिवाइस है थर्ड क्या है हार्ड डिस्क है जो स्टोरेज डिवाइस है जो प्रोसेस में ही आएगा ओके थर्ड फोर्थ क्या माउस जो कि इनपुट डिवाइस है फिफ्थ है प्रिंटर जो कि आउटपुट डिवाइस है सिक्स है joystick, जो है. है, CD, ROM, CD, जो इनपुट डिवाइस है सेवन है सी डी रोम सी डी जो सी डी या डी डी ओके जो क्या है स्टोरेज डिवाइस है ओके okay. एट है स्कैनर की एक इनपुट डिवाइस है नाइन है हेडफोन जो कि एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है डिवाइस है नेक्स्ट है मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है चलिए नेक्स्ट पेज में देख नेक्स्ट है पेन ड्राइव जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है नेक्स्ट है सीपीयू जो कि एक क्या है प्रोसेस डिवाइस है ओके okay? प्रोसेस करता है ओके okay? तो इस तरह से क्लासिफाई करना है फ्रॉम दी दब एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड दैट इनपुट डिवाइस आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच हेल्प अस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू ओके okay, इनपुट हम लोग फॉलन ऊपर के एक्टिविटी से जाने कि इनपुट डिवाइस क्या है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर है जो हेल्प करते हैं क्या कंप्यूटर को बताने में कि क्या करना है ओके इनपुट डिवाइस के थ्रू ही पता चलता है कंप्यूटर को क्या काम करना है ओके दिस डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर और इस डिवाइस का यूज़ होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में ओके लेट्स लर्न मोर अबाउट देम उसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानते हैं फर्स्ट है कीबोर्ड कीबोर्ड ओके कीबोर्ड जो फिगर फर्स्ट था कीबोर्ड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड एक एसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर का ओके okay, जिसके बिना हम इनपुट दे ही नहीं सकते हैं नीड टू इट टाइप वी नीड टू वी नीड इट टू टाइप वर्ड्स नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शन हम लोग को जरूरत पड़ता है नंबर वर्ड्स uh, टाइप करने नंबर्स टाइप करना इंस्ट्रक्शन टाइप करना ओके okay? एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं ओके okay, मतलब बटन्स होते हैं 104 हंड्रेड फोर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड और उस कीबोर्ड में अलग अलग तरह के कीज होते हैं कहीं नंबर्स होते हैं कहीं ए बी सी डी लिखे होते हैं कहीं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ओके okay, कहीं फंक्शंस की होते हैं कहीं वॉल्यूम अप एंड डाउन वाला होते हैं फिर एरो होते हैं एंटर होता है स्पेस होता है तो सबका अलग अलग फंक्शन है तो चलिए उसको जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ इन द कीबोर्ड को नेक्स्ट पेज में चलते हैं चलिए डू यू नो कीबोर्ड्स कैन कंटेन मैनी जम्प्स कीबोर्ड में बहुत सारे जम्प्स होते हैं सो मस्ट कीप योर कीबोर्ड क्लीन इसलिए कीबोर्ड को क्लीन रखना है नेवर इट फूड नियर द कंप्यूटर खाना कभी नहीं खाना चाहिए बच्चों कंप्यूटर के सामने ओके okay? क्योंकि इसमें खाना अगर गिर गया तो ये की बोर्ड को भी डैमेज करेगा और जम्प्स भी चला जाएगा ओके okay? अंदर तो चलिए नेक्स्ट है देखते हैं क्या है कीबोर्ड के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन है उसको जानते हैं लोकेटेड इन द सिटी ऑफ इन बर्ग जो रसिया में okay, is the keyboard monument, जो keyboard monument है ओके इज द कीबोर्ड मोन्यूमेंट जो कि कीबोर्ड मोन्यूमेंट है ओके पामी पामियाथिंक कैलिवेंचर इज मेड ऑफ स्टोन विथ ग्रास ग्रोइंग बिटवीन द कीज लोकल पीपल मेक विशेष बाय जंप फ्रॉम वन की टू की व्हेन दे वांट टू रिसेट देअर लाइव दे जंप कंट्रोल एलर्ट डिलीट ओके तो ये एक रसिया में है शहर जहाँ कीवर्ड मोनूमेंट बनाया हुआ है वहाँ के लोग और ये स्टोन से बनाया हुआ है और उसमें ग्रास भी बनाया हुआ है ओके okay? और वहाँ लोग अपने विशेष जाते हैं विशेष बनाते हैं और जंप करते हैं की टू की ओके okay? मतलब एक कभी इसमें गए कभी उसमें गए जंप करते हैं और जब वे अपना लाइफ को रिसेट करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कहाँ जंप ज़्य। ज़्य। करते हैं दे जंप कंट्रोल अलर्ट डिलीट ओके जो रिसेट का फंक्शन है ओके कंप्यूटर में तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं hmm. राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट यू सी विथ योर स्मार्टफोन तो इनपुट डिवाइस का नाम लिखना है जो आप अपने स्मार्टफोन में देखते हैं ओके दूसरा है चेक योर सेल फोन एंड फाइंड आउट द सिक्वेंस ऑफ कीज इज इट क्वाल्टी ओके अपना सेल फोन का कीबोर्ड में देखना है सिक्वेंस कीज का कि क्या ये क्वर्टी है मतलब Q W E R T Y है पहले Q है फिर W है फिर E है फिर R है फिर T है फिर Y है तो उसको देखना है ओके आप ये कमेंट में बताएं एक्टिविटी वन और टू का आंसर क्या होगा ओके और क्वर्टी ले आउट क्या चलिए देखते हैं e, इन दिस ले आउट अल्फ़ाबेट्स कीज आर लेड आउट इन द स सीक्वेंस क्यू डब्लू ई आर टी वाई इस लेआउट में क्या होता है अल्फाबेट्स की जो होते हैं वो इस सीक्वेंस में रहते हैं पहले क्यू हो होगा फिर डब्ल्यू होगा फिर ई होगा फिर आर होगा फिर टी होगा फिर वाई होगा जनरली हम लोग पढ़ते तो फिर डी होता है फिर ई होता, 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 e होता है लेकिन इस बोर्ड में पहले क्यू होता है फिर डब्ल्यू होता है फिर ई होता है फिर आर होता है फिर टी होता है फिर वाई होता है ओके okay? तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं डोबो डेड आई है क्वेश्चन वाट विल यू डू इफ द कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग डोबो अपने डैड को पूछता है कि क्वेश्चन है अगर क्या करेंगे अगर कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा तो आप क्या करिएगा पूछ रहा है तो डैड बोलते हैं आई विल यूज़ ऑन स्क्रीन और वर्चुअल की वोर्ड तो डैड बोलते हैं कि मैं क्या यूज करूँगा ऑन स्क्रीन स्क्रीन में भी एक की बोर्ड का ऑप्शन आता है ओके जिसको वर्चुअल की वोर्ड बोलते हैं डोबो वाई डू वी यूज द वर्चुअल की बोर्ड डोबो पूछता है वर्चुअल कीबोर्ड क्यों यूज करते हैं डैड ओह इट्स सिंपल वी यूज द वर्चुअल कीबोर्ड टू प्रोटेक्ट आवर पासवर्ड फ्रॉम फ्रॉम बीइंग फ्राम स्पेशली ड्यूरिंग नेट बैंकिंग तो डैड बोलते हैं ओह ये सिंपल है कि हम लोग वर्चुअल की कब यूज़ करते हैं अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लोग अपने की में यूज़ करेंगे तो हैकर्स लोग उसको हैक कर सकता है लेकिन वर्चुअल की से हैक नहीं कर सकता है ओके इसलिए जब भी आप नेट बैंकिंग कीजिए या फिर कभी भी ट्रांजेक्शन कीजिए वर्चुअल की यूज़ कीजिए ओके जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट रहता है तो एक क्वेश्चन है डू यू नो क्रिस्टोफर स्कॉलर्स इज क्रेडिटेड द क्रेडिटेड विथ कीवर्ड्स लेआउट दैट इज यूज टिल दैट कॉल्ड क्वेट्टी लेआउट ओके क्रिस्टोफर स्कॉलर्स स्कॉल्स को क्रेडिटेड दिया हुआ ये कीबोर्ड लेआउट जो हम लोग यूज करते हैं ओके okay? जो क्वेटी लेआउट है है ऑन ओके ऑन में देखते हैं क्या है यूज द वर्चुअल और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड टाइप योर नेम यूजिंग द सेम नॉट फॉर टीचर्स ओके टीचर्स के लिए एक नोट है इन विंडो सेवन ऑन स्क्रीन की बोर्ड कैन बी एक्सेस्ड बाई क्लिकिंग द स्टार्ट बटन स्टार्ट बटन में जाएंगे हम लोग विंडो सेवन में फिर एक्सेसरीज में जाएंगे फिर ईजी ऑफ एक्सेस में जाएंगे फिर ऑन स्क्रीन की बोर्ड में जाएंगे तो हमको ऑन स्क्रीन की बोर्ड यानी वर्चुअल की बोर्ड ऑन हो जाएगा तो स्क्रीन में हमको की बोर्ड दिखेगा वहीं से माउस से हम लोग उसको की बोर्ड को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है यूज़ योर इमेजिनेशन एंड लिस्ट द टास्क विच यू थिंक टू यू कैन नॉट डू इफ देयर इज़ नो माउस अटैच टू योर डेस्कटॉप और इफ़ माउस इज़ नॉट वर्किंग तो आप अपना इमेजिनेशन कीजिए और अपने टास्क को लिखिए बोल रहा है कि आप कौन कौन सा टास्क बिना माउस का यानी अगर आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है तो कौन कौन सा टास्क नहीं कर सकते हैं ओके तो आपको लिखना है बच्चों बिना माउस का आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं या कमेंट में आप बताएं बिना माउस को हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है माउस चलिए माउस क्या होता है उसको देखते हैं इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस मतलब हम लोग इसको पॉइंट मतलब सपोज आपको पॉइंट करना है किसी चीज़ में तो पॉइंट पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करेंगे ओके इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विथ द हेल्प ऑफ माउस वी कैन गिव भी इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हम लोग माउस के हेल्प से भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू भी दिस डेज वायरलेस माउस ऑल्सो यूज आजकल के जमाने में वायरलेस माउस भी यूज हो रहा है होता है ओके रेड लाइट एट द बॉटम ऑफ द माउस इंडिकेट्स ओके एक रेड लाइट दिखता है माउस के नीचे में दैट द माउस ऑन द ऑप्टिकल माउस और वह माउस क्या होता है ऑप्टिकल माउस होता है ओके okay? फर्स्ट कंप्यूटर माउस देखिए फिगर में दिखाया हुआ है ओके इस तरह का फर्स्ट माउस होता था पहले और डू यू नो फ्यू ईयर्स बैक देयर यूज्ड यूज टू बी बॉल अंडर द माउस दिस बॉल वाज यूज टू ट्रैश ट्रैस माउस मूवमेंट ओके पहले कुछ साल पहले माउस में एक बॉल होता था जिसको ट्रेस करने के लिए यूज़ होता था ओके अब वो नहीं आया आजकल नहीं आता है वो माउस नेक्स्ट डोबो डोबो क्या पूछता है चलिए देखते हैं डोबो है टोबो दिस इज माई राइटिंग टोबो डोबो टोबो को बताता है कि यह मेरा राइटिंग है हाउ डिड यू गेट माई डायरीज कॉपी इन द कंप्यूटर तुम अपने डायरीज कंप्यू uh, डायरीज कॉपी को कैसे कंप्यूटर में ला पाए टोबो बोलता है यू मस्ट हैव सीन फोटो कॉपी मशीन तुम फोटो कापी मशीन देखे होगी डोबो बोलता है येस आई हैव मेरे पास है विथ इट आई आई गेट ए रिप्लीके ऑन द पेपर और मैं इसमें अपना पेपर का रिप्लिके करता हूँ ओके तो टोबो बोलता है सिमिलरली विथ स्कैनर विथ ए स्कैनर आई गेट रिप्लिके ऑन द कंप्यूटर तो, तो टोबो बोलता है सिमिलरली स्कैनर की मदद से उसको रिप्लिके किए कंप्यूटर में मतलब कॉपी किए ओके एंड कैन यूज एज ए मेनी टाइम्स एज डिज़ायर्ड और इसको बहुत सारा टाइम यूज कर सकते हैं बहुत टाइम यूज कर सकते हैं जब हम लोग जरूरत पड़े नाव डे सम प्रिंटर्स ऑल्सो ए स्कैनर आजकल के जमाने में क्या हो रहा है प्रिंटर में ही स्कैनर आ रहा है यहाँ तक तो कि फ़ोटो भी आ रहा है ओके okay, प्रिंटर में ही सो द कॉपी कैन बी प्रिंटेड एज वेल एज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इस तरह से प्रिंटेड कर कॉपी तो प्रिंट कर ही सकते हैं और उसमें कॉपी को कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं उसके फॉर्म में सपोज आपका बुक को स्टोर करना है ओके जो कंप्यूटर में नहीं है तो स्कैनर की मदद मतलब से करेंगे और जो चीज़ कंप्यूटर में उसको प्रिंट आउट निकालना है तो उसको प्रिंटर की मदद मतलब से करेंगे विथ द लेटेस्ट स्कैनर यू कैन स्कैन थ्री द ऑब्जेक्ट ओके यू कैन यू कैन स्कैन एनी थ्री थ्री डी ऑबजेक्ट लेटेस्ट स्कैनर में आप थ्री डी ऑब्जेक्ट को भी स्कैन कर सकते हैं अब आउटपुट डिवाइस क्या के और आउटपुट डिवाइस Devices आर दोज parts ऑफ कंप्यूटर थ्रू which डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस क्या करता है कंप्यूटर का ही part से जो क्या करता है डिस्प्ले करता है रिजल्ट को प्रोसेस होने के बाद ओके ठीक activity एक्टिविटी ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट type टाइप ऑफ is इज अवेलेबल इन योर कंप्यूटर लैब बताना है कि आपके लैब में किस तरह का monitor अवेलेबल है ओके okay. तो ये आप कमेंट में बताइए कि आपके लैब में किस तरह का मॉनिटर है ओके okay. चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन है ऑफ योर पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ मॉनिटर दे हैव यूज व्हेन दे वेयर स्टूडेंट्स और बोल रहा है कि अपने मम्मी पापा को पूछिए कि जब वे स्टूडेंट्स थे तो उस समय किस तरह के मॉनिटर्स यूज करते थे वो तो ये भी आप बताइए कि आपके मम्मी पापा किस तरह के मोनिटर यूज किए हैं कंप्यूटर लैब में कमेंट्स में जरूर बताएं थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द अदर फ्रिक्वेंटली यूज नेम ऑफ मोनीटर और बताना है कि टाइम दूसरे अलग अलग तरीके अलग अलग मोनीटर्स का नाम बताना है जो यूज होता है ओके जैसे सी आर टी मोनीटर एल सी डी मोनीटर एल ई डी मोनीटर्स ओके सब मोनीटर का टाइप्स तो है तो डोबो डोबो पूछता है डोबो एंड टोबो आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर डोबो एंड टोबो दोनों क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में काम कर रहे हैं चलिए देखते हैं क्या क्या डिस्कशन होता है इन लोगों के बीच डोबो बोलता है आई वॉन्डर हाउ डू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वर्क टुगेदर मैं अचंभित हूँ मतलब मैं सोच में पड़ रहा हूँ कि कैसे कंप्यूटर अलग अलग पार्ट से कंप्यूटर का वो कैसे एक साथ काम कर लेता है तो डोबो का मन में ये क्वेश्चन आ गया तो टोबो बोलता है ओह इट्स सिंपल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू इट्स ब्रेन सी पी यू थ्रू वायर्स तो टोबो बताता है टोबो थोड़ा तेज है इसीलिए टोबो बता रहा है कि ओह ये तो सिंपल है क्योंकि कंप्यूटर्स का जितने भी पार्ट्स है वो कनेक्टेड है किससे इसके ब्रेन से ब्रेन कौन है कंप्यूटर का सी पी यू ओके तो सी पी यू से कनेक्टेड है वायर के थ्रू इसीलिए ये एक साथ काम कर रहे हैं डोबो दो, बोलता है बट व्हाट इज सी पी यू अब डोबो बोलता है ये सी पी यू क्या चीज़ है तो चलिए सी पी यू के बारे जान बताता है डोबो टोबो बताता है सी पी यू के बारे में अच्छा आप भी सुनिए क्या बताता है सी पी यू सी पी यू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके सी पी यू इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ वेयर प्रोसेसिंग हैपेंस इट टेल्स द अदर पार्ट्स व्हाट टू डू सी पी यू ब्रेन होता है अगर सब चीज़ आपका ब्रेन ही नहीं रहेगा तो आप कैलकुलेशन कर पाइएगा टू प्लस थ्री क्या होता है ये भी नहीं बता पाइएगा कल अगर ब्रेन नहीं रहा तो ओके okay, तो इसी तरह कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है जो सीपीयू होता है ओके okay? सीपीयू क्या करता है ये प्रोसेस करता है वहीं पे सारा प्रोसेस होता है और ये सा, सारे पार्ट्स को बताता है कि क्या क्या आप लोग को करना है क्या क्या चीज़ करना है ओके जैसे हम लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं तो ये सी के पास रिक्वेस्ट आ जाएगा म्यूज़िक प्ले करना है और सी फिर ऑर्डर देता है म्यूजिक प्लेयर को आपको म्यूजिक प्ले करना है म्यूजिक प्लेयर फिर जाता है स्पीकर के पास और बचता है ओके okay? तो इस तरह से होता है तो डू यू नो अच्छा रिमेंबर वाला पढ़ लेते हैं रिमेंबर में क्या है द आउटपुट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी वी कैन सी इट बट कांट टच इट रिमें याद रखिएगा जो हम लोग आउटपुट देखते हैं मॉनिटर में स्क्रीन में वो सॉफ्ट कॉपी होता है हार्ड कॉपी नहीं हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटर से निकला हुआ कॉपी को हार्ड कॉपी बोलते हैं और मॉनिटर में जो रहता है वो सॉफ्ट कॉपी ये बच्चों याद रखिएगा डू यू नो विथ थ्री डी प्रिंटर्स इट इज पॉसिबल टू क्रिएट मॉडल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट थ्री डी प्रिंटर से हम लोग को कोई भी मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के मॉडल को ओके okay? टॉयज ऑन इवेंट ऑर्गेन्स टू ओके टॉयज का भी कोई भी मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं थ्री डी प्रिंटर से यहाँ तक कि ऑर्गेन्स को भी थ्री डी प्रिंटर से व्यू द वीडियो विथ यू आर एल एक वीडियो यू आर एल दिया हुआ है हम इसको आपको यूट्यूब में सर्च करना है तो ये आ जाएगा ओके okay? कि कैसे थ्री डी प्रिंटर से निकलता है ओके okay? नेक्स्ट है यूजिंग माउस और कीबोर्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवेंट टू दीपी यू मतलब माउस और कीबोर्ड का यूज करके डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ दिया जाता है सी में दिया जाता है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट आर सेंट टू द मॉनिटर फॉर डिस्प्ले ऑफ द आउटपुट और उसके बाद सी क्या करता है प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट को कहाँ भेजता है मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए ऑफ़ द आउटपुट जो कि आउटपुट होता है तो देख रहे हैं आप सिस्टम यूनिट दिया हुआ है और एक सिस्टम यूनिट के अंदर का पार्ट दिखाया हुआ है दिस इज़ द पार्ट इनसाइड द सिस्टम यूनिट कैसे रहता है और सी के बीच में देख रहे हैं एक चीज़ दिखाया हुआ है वाइट करके एरो करके दिया हुआ है द सी पी यू इज़ प्लेस्ड हेयर इट लुक्स लाइक दिस इस तरह से लिखा हुआ है देखिए okay? इंटेल लिखा हुआ है ये सी पी यू का कंपनी ब्रांडिंग है ओके इंटेल कंपनी का ही माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है इसमें इसलिए इंटेल लिखा हुआ है चलिए आगे जानते हैं ओके नेक्स्ट पेज में जा, चलते हैं डू यू नो द डेस्कटॉप कंप्यूटर हैज़ ए सिस्टम यूनिट क्या आपको पता है डेस्कटॉप सिस्टम कंप्यूटर में भी एक सिस्टम यूनिट होता है वेन वी रिमूव द सिस्टम यूनिट कवर वी कैन सी द ग्रीन सर्किट बोर्ड ऑन विच रेस्ट ए स्मॉल स्क्वायेर चिप कॉल्स द सी पी यू ओके जब हम लोग सिस्टम यूनिट के कवर को रिमूव करेंगे तो वहाँ देखेंगे ग्रीन कलर का एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके जिसमें एक स्मॉल स्क्वायर चिप रहता है जिसको सी पी यू बोला जाता है तो डोबो बोलता है डोबो का मन में फिर एक क्वेश्चन आ गया बट यू हैव ए वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस क्या तुम्हारे पास वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस है बोलता है तुम्हारे पास वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस है टोबो को बोलता है टोबो बोलता है ओह यस द वायरलेस की बोर्ड और माउस गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी एज टी वी रिमोट बोलता है कि यह हाँ वायरलेस कीबोर्ड और माउस को ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है बैटरी से जैसे कि तुम्हारे टीवी रिमोट में बैटरी लगता है ए कनेक्टर कनेक्ट्स टू द सीपीयू पी विच कैन रिसीव सिग्नल फ्रॉम ए दायरलेस की बोर्ड और माउस और उसमें सीपीयू में एक कनेक्टर लगता है जो क्या करता है सिग्नल को रिसीव करता है माउस या कीबोर्ड से वायरलेस के थ्रू ओके वायरलेस माउस और की के थ्रू और कंप्यूटर को भेजता है अब डोबो पूछता है व्हाट हैपेंस इन द सी अब सी में क्या होता है तब बताता है टोबो ओके टोबो बोलता है द सी पी यू हेज़ थ्री पार्ट सी पी यू में तीन पार्ट्स होते हैं कौन कौन से चलिए देखते हैं पहला बताता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको शॉर्ट में ए एल यू बोलते हैं प्रीफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन ऑन डेटा ये क्या करता है परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन ऑन डेटा ये क्या करता है कैलकुलेशन करता है कंपेरिजन करता है डेटा का ओके कौन बड़ा है कौन छोटा है सपोज हमको टू और थ्री को ऐड करना तो ये कौन करेगा एलयू एल यू करेगा मतलब आर्थमैटिक लॉजिक यूनिट करेगा सी पी यू का पार्ट ओके okay. दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट मतलब सी यू कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है फ्लो ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है मतलब डेटा कहाँ जाएगा कितना जाएगा इसको कंट्रोल करता है ओके okay. कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट जो इसको शॉर्ट में एम बोलते हैं ये क्या करता है होल्ड्स डेटा एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग ये क्या करता है डेटा को कुछ देर के लिए रखता है होल्ड करके और रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग को भी रखता है तभी जाके वो आउटपुट डिवाइस में जाता है ओके जैसे हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो खाना डायरेक्ट तो हमारे मुंह में नहीं आता है पहले बर्तन पहले बर्तन में रहता है फिर उसको प्लेट में लगाते हैं तब जाके हम लोग खाते हैं उसी तरह कंप्यूटर्स में भी होता है ओके पहले प्रोसेस हुआ सीपीयू में फिर स्टोरेज डिवाइस में कुछ देर के लिए रहा ओके मेमोरी यूनिट में रहा फिर जाके आउटपुट डिवाइस में जाता है तो देख रहे हैं आप एक डायग्राम बनाया हुआ है इनपुट डिवाइस फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट थ्री पार्ट में दिखाया हुआ है एल यू सी यू एम यू फिर वो आउटपुट डिवाइस में जाता है तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है हैंड्स ऑन बोलता है ओके राइट द कन्फिग्रेशन ऑफ एनी डेस्कटॉप कंप्यूटर और कंप्यूटर अलोटेड टू यू इन द कंप्यूटर लैब ओके मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है डेस्कटॉप कंप्यूटर का जिसको आपको लैब में मिलता है उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना है नोट इन ऑर्डर टू फाइंड एंड चेक द कॉन्फ़िगरेशन राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर आपको कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए क्या करना है राइट right क्लिक करना है ऑन माई कंप्यूटर में क्लिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करना है उसके बाद नोट डाउन द बेसिक इंफॉर्मेशन एज पर हेड गिवेंट बिलो अबाउट योर इन्फॉर्मेशन तो उसमें देखिएगा जैसे ही आप राइट क्लिक कीजिएगा तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी कंप्यूटर की कितना तरह किस टाइप का प्रोसेसर है इंस्टॉल मेमोरी कितना है सिस्टम टाइप कितना है तो आप भी कमेंट में बताएं कि आप जो यूज करते हैं घर में कंप्यूटर वो कितना उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है ओके नेक्स्ट है डोबो अब डोबो के मन में फिर एक सवाल आ गया शायद देखते हैं क्या सवाल आया है एम आई हैव लॉट्स ऑफ टास्क टू डू एंड आई एम सो कन्फ्यूज विच वन टास्क टू टेक फास्ट बोलता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है लेकिन मैं कन्फ्यूज हूँ कि किसको पहले करूँ ओके okay? टोबो बोलता है वाट डू यू डू इफ यू हैव टू डू लॉट्स थिंग्स एंड टास्क टोबो को पूछता है कि तुम क्या करते हो जब तुमको बहुत सारा काम करना रहता है तुम किसको पहले करते हो तो बच्चों आप भी किसको पहले करते होंगे तो टोबो बोलता है मेक ए लिस्ट आई मेक ए लिस्ट टोबो बोलता है मैं पहले मे लिस्ट बनाता हूँ आई रेफर टू दिस लिस्ट टिल ऑल टास्क आर ओवर एंड कीप ऑन चेकिंग द चेक लिस्ट अगेन ओके okay? वो बोलता है कि मैं इस लिस्ट को तब तक रखता हूँ जब तक कि सारे काम खत्म ना हो जाएँ और चेक करते रहता हूँ कि कितना काम हुआ है ओके एंड अगेन टू इंश्योर देट नाट नोट नथिंग इज मिस्ड आउट और फिर इंश्योर करता हूँ कि कोई भी काम मिस नहीं हुआ है सबको थोड़ा थोड़ा कर ही रहा हूँ ओके okay? और चेक लिस्ट कर रहा हूँ कि ये काम इतना हुआ वो काम, हुआ वो काम उतना हुआ है वो काम उतना हुआ है ओके okay? तो इस तरह से और चेक करना है कि कोई भी काम मिस नहीं हुआ है कोई भी काम छूटा हुआ नहीं है ओके okay? बच्चों डैड बोल देते हैं दिस इज एग्जैक्टली वाट द कंप्यूटर डज डैड बोलते हैं यस यही exactly yes, काम करता है कंप्यूटर ऐसे ही करता है इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा गिवन टू इट आर स्टोर टेम्प्रोरली इन द मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो हम लोग देते हैं कंप्यूटर को ये स्टोर्ड रहता है टेम्प्रोरी टेम्प्रोरली कहाँ पे मेमोरी में जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं वे द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ जब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं दिस मेमोरी लॉस डेटा एंड बिकम्स कम्प्लीटली एम्पटी जब हम लोग टर्न ऑफ मतलब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो इसमें जितने डेटा थे टेम्प्रोरी मेमोरी में मतलब प्राइमरी मेमोरी में वो सारे लॉस हो जाते हैं सारे खाली हो जाते हैं ओके दिस मेमोरी कैन बी कंपेयर टू द लिस्ट विच कैन बी यूज एंड इरेज एज रिक्वायर्ड इस मेमोरी को कंपेयर कर सकते हैं ऐसे लिस्ट को जिसको हम लोग यूज करते हैं और फिर उसको uh, इरेज भी करते हैं जब जरूरत पड़ता है दिस मेमोरी कैन सीन इनसाइड द सिस्टम यूनिट ये मेमोरी कहाँ रहता है सिस्टम यूनिट में रहता है सिस्टम यूनिट के अंदर ओके okay. तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है अब टोबो बोलता वी नो दैट द कंप्यूटर हैज ह्यूज मेमोरी हम लोग को पता है कि कंप्यूटर के पास बहुत मेमोरी है इट कैन स्टोर लॉट्स ऑफ फाइल्स म्यूजिक मूवी गेम्स सबसे तो बोलता है ये तो बहुत सारा चीज़ लोड कर सकता है फाइल्स म्यूजिक बहुत सारा चीज गेम मूवी ऐसे सब चीज़ लोड कर सकता है विच आर नॉट डिलीटेड टिल वी डिलीटेड ये तब तक डिलीट नहीं करता जब तक हम लोग डिलीट नहीं करते देन हाउ दिस मेमोरी लॉस एस डेटा तो ये मेमो जबकि ये हम लोग जब तक लीड नहीं करते तब तक लीड नहीं होता है लेकिन ये मेमोरी कैसे लॉस होता है जब कंप्यूटर ऑफ करते हैं क्वेश्चन आ गया टॉबो के मन में ओके तो डेड बोलते हैं यू आर राइट तुम राइट right हो तुम सही हो कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन इट वन एवर यू टेल इट टू सेव जब तुम इसको सेव करने बोलते हो तभी ये डेटा को सेव करके रखता है वाट एवर यू सेव गॉज इन द मेमोरी जब जो चीज़ तुम सेव करते हो वो कहाँ चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी में कैन यू नेम और प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी क्या तुम कुछ एग्जाम्पल और नाम बता सकते हो सेकेंडरी मेमोरी का तो वो बोलते हैं हाँ सी डी पेन ड्राइव तो ये सेकेंडरी मेमोरी है तो वो थोड़ा तेज है इसी तरह आप भी तेज बनी है ठीक ना अब सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं क्या है सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर ए लॉन्ग पीरियड सेकेंडरी मेमोरी का यूज कहाँ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए लंबे समय तक और बहुत बड़ा डेटा को जैसे मूवी रखना है आपको तो मूवी कहाँ रखिएगा पेन ड्राइव में मेमोरी कार्ड में ओके जो कि सेकेंडरी मेमोरी है डेटा इज़ नॉट लॉस्ड अंटिल वी डिलीटेड जब तक आप मूवी डिलीट नहीं कीजिएगा तब तक डिलीट नहीं होगा ना मतलब उसी तरह डेटा जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक कि आप नहीं कीजिएगा इवन वेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ जबकि कंप्यूटर आप दस बार भी बंद कर लीजिएगा हज़ार बार बंद कर लीजिएगा डेटा आप डिलीट नहीं होगा ओके okay? डोबो बोलता है अब डोबो के मन में क्वेश्चन आ गया डैड व्हाट हैपेंस वन वी डाउनलोड पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट कि क्या होता है जब हम लोग पिक्चर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से डैड बोलते हैं द पिक्चर्स आर डाउनलोडेड टू द हार्ड डिस्क जो डाउनलोड करते हैं हम लोग पिक्चर्स इंटरनेट की मदद से वो कहाँ जाते हैं हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क में डाउनलोड होता है हार्ड डिस्क इज़ ऑलसो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड्री मेमोरी और हार्ड डिस्क भी एक क्या है सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है तो वो बोलता है हाउ मच डेटा कैन दार्ड डिस्क है स्टोर तो बोलता है कि कितना डेटा हार्ड डिस्क स्टोर कर सकता है डेट बोलते हैं इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है जस्ट एज वी कैन मेजर आवर हाइट इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर वी कैन ऑल्सो मेजर द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन एनी स्टोरेज डिवाइस दिस इज कॉल्ड ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दैट डिवाइस मतलब डेट बताते हैं ये बहुत बड़ा डेटा को स्टोर करके रख सकता है अब जिस तरह हम लोग अपने हाइट को मेजर करते हैं ना अपना हाइट को वेट को मीटर में या सेंटीमीटर में के में ग्राम में उसी तरह कंप्यूटर भी क्या करता है अपने डेटा को मेजर करता है ओके और स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइस में और ये कहलाता है इसको क्या बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दैट डिवाइस उसकी उसी को बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी उस डिवाइस का ओके नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड आउट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ़ योर पेरेंट्स स्मार्टफोन डू यू डोंट फॉरगेट टू टेक द परमिशन बिफोर चेकिंग द डिवाइस ओके बच्चों ये याद रखिएगा जब भी आप किसी का फ़ोन यूज कीजिएगा तो परमिशन लीजिए पहले तभी किसी का फ़ोन यूज कीजिएगा आप लोग तो पूछा है कि आप पेरेंट्स से स्मार्टफोन का स्टोरेज कैपेसिटी जानिए और बताइए आप कमेंट में बताइए कि आपके पेरेंट्स का स्मार्टफोन में कितना जीबी का स्टोरेज है कितना जीबी का स्टोरेज कैपेसिटी है ओके okay? तो इस तरह से टोटल देखिए यहाँ थर्टी टू जी लिखा हुआ है यूज एटीन पॉइंट सिक्स थ्री जी बी अनयूज यानी फ्री है कितना थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन जी बी तो ये परमिशन ले करके बताना है बिना परमिशन का फ़ोन मत यूज कीजिएगा आप लोग ओके okay? चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो बच्चों नेक्स्ट है फाइंड आउट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर कंप्यूटर तो कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी बताना है आपको ओके okay? कि आपका टोटल कंप्यूटर कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी कितना है यूज्ड कितना की है फ्री कितना है अब डू यू नो द फर्स्ट इवर हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव वाज मेड इन 1979 फर्स्ट हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव जो बना था वो नाइनटीन में बना था एंड कुड होल्ड ओनली फाइव एम ऑफ डेटा सिर्फ पाँच एम स्टोर कर सकता था ये पाँच एम समझ सकते हैं आजकल कल पाँच एम का एक फोटो भी नहीं आता है पाँच एम से ज़्यादा ही आता है ओके okay? दो ये था ये स्टोर कर सकता था अब टोबो बोलता है टोबो के मन में आ गया क्वेश्चन अब एक टोबो बोलता है तेज था लेकिन एक क्वेश्चन उसको कंफ्यूज कर दिया व्हाट डू एम बी एंड जी बी मीन अब जी बी और एम बी का मतलब क्या है पूछ रहे अब डैड बताते हैं ओके तो डैड पूछते हैं कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर करता है जीरो और वन के फॉर्म में और इच जीरो एंड वन कॉल कॉल्ड ए बाइनरी डिजिट जिसको बिट बोलते हैं ओके और हर एक जीरो और वन क्या कहलाता है बाइनरी डिजिट कहलाता है जिसको बिट बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ एट बिट्स कॉल्ड ए बाइट डिनोटेड बाई कैपिटल बी ओके एक, एक आठ बिट्स मिल करके एक वन बाइट बनाता है ओके जैसे हंड्रेड पैसे मिल कर के वन रुपीज़ बनाता है उसी तरह आठ बिट्स मिल करके एक यानी वन बाइट बनाता है अब डेटा देखिए डेट है, बताते हैं कि वन किलोबाइट्स मतलब वन के बी इक्वल टू वन हन थाउजेंड ट्वेंटी बाइट ओके वन मेगाबाइट मतलब वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलो बाइट वन गीगा बाइट मतलब वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर मेगा बाइट इसको आप कॉपी में लिखिए बच्चों और याद कीजिएगा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ओके okay? ये पूछता है कि हाउ मेनी बाइट्स इन वन एम बी ओके बताना है अब देखिए रिमेंबर में दिया हुआ है डो नोट टच सीडीज़ ऑन द रेनबो साइड मतलब सीडी का जो रेनबो साइड होता है जिसमें सेवन कलर दिखता है उसको टच नहीं करना चाहिए इट इज़ हेयर दैट द डेटा इज स्टोर्ड ये डेट इसी में डेटा स्टोर्ड रहता है ऑलवेज होल्ड सी डी बाई द एड्स हमेशा सी डी को होल्ड कीजिए एड्ज में पकड़ के किनारे में पकड़ के कभी भी रेनबो साइड में मत पकड़िए ओके रेनबो साइड में टच भी नहीं करना है ओके नेक्स्ट रिसर्च एक्टिविटी आपको ये एक्टिविटी करना है खुद से ओके okay? विच मेमोरी विल बी यूज फॉर द फॉलोइंग ओके कौन सा मेमोरी यूज होगा आप खुद बताइएगा राइट पी फॉर प्राइमरी मेमोरी एंड एस एस फॉर सेकेंड मेमोरी फर्स्ट है प्लेइंग ए गेम ऑन वेबसाइट वेबसाइट में कोई गेम खेल रहे हैं आप तो कौन सा मेमोरी यूज होगा प्राइमरी मेमोरी क्योंकि आप जब कंप्यूटर ऑफ कर दीजिएगा ना तो गेम फिर नहीं खुलेगा ठीक फिर आपको वेबसाइट में वे विजिट करना पड़ेगा नेट ऑन करना पड़ेगा तब जाके आप जा सकते हैं टक्स पेंट इन स्टोर टक्स पेंट इज स्टोर्ड इन टक्स पेंट कहाँ पे स्टोर्ड रहता है प्राइमरी मेमोरी में कि सेकेंडरी मेमोरी में प्राइमरी hmm? मेमोरी में ओके व्हेन वी टाइप इन वर्ड वी यूज जब हम लोग वर्डपेड में यूज कुछ टाइप करते हैं कौन सा यूज करते हैं हम लोग कौन सा डाटा यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में ओके सेविंग ए ड्राइंग ड्राइंग को सेव कर रहे कहाँ जाएगा ये सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा ओके okay? तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं नेक्स्ट है एक्सप्लोर हाउ सी डी इज डिफरेंट फ्रॉम ए डी वी डी राइट योर फाइंडिंग इन स्पेस प्रोवाइडेड मतलब आप बताइए कैसे सी डी और डी वी डी डिफरेंट है ओके okay? और बताना है कैसे डिफरेंट है ओके okay? जगह में जो प्रोवाइड किया हुआ है ओके सी डी क्या होता है सी डी पहले के ज़माने में सी आता था उसके बाद डी आया सी देखिएगा थोड़ा सी का कलर अलग होता है और डी थोड़ा ज़्यादा ब्लू कलर का होता है ओके और सी जो होता है कितना स्टोरेज रहता है सी का अप्रोक्स सेवन हंड्रेड लेकिन डी का एट जी के अप्रोक्स होता है ओके सिक्स से एट जी के अप्रोक्स इसलिए सी में देखिएगा कोई भी मूवी का सी अगर है तो वो दो पार्ट में होगा दो गो सी डी होगा उसमें एक मूवी का दो सी डी लेकिन डीवीडी में अगर कोई मूवी स्टोर है तो देखिएगा एक डीवीडी दे में पाँच मूवी होता है कम से कम पाँच ओके अब तीसरा है एक्सप्लोर एंड राइट एनी थ्री डिफरेंसेज बिटवीन पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में अंतर बताना है डिफरेंस बताना है ओके पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ओके पहला डिफरेंस मैं बता देता हूँ पेन ड्राइव को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं ओके लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं ले जा सकते हार्ड डिस्क को कंप्यूटर शिपू खोलना पड़ेगा ओके पेन ड्राइव थोड़ा कम स्टोरेज रहता है लेकिन हार्ड डिस्क बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज रहता है ओके okay? दो को बता दिए एक गो बताते बताते और चौथा है कलकुले कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी पेन ड्राइव का बताना है कि पेन ड्राइव कौन कौन सा पेन ड्राइव आप देखें ठीक ना उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या क्या है वो बताइए आप ठीक ना आप कमेंट में भी मुझे बताइए तो आपके पास कौन सा पेन ड्राइव है है ना और कौन सा उसका कितना कैपेसिटी है नेक्स्ट है हैंड्स ऑन इन द कंप्यूटर लैब ऑब्जर्व एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच यू कैन टच ओके आप कंप्यूटर uh, लैब में ऑब्जर्व कीजिए और पार्ट का लिस्ट बनाइए कि जिसको आप टच कर सकते हैं ओके राइट द यूज ऑफ इच सच पार्ट्स अंडर द करेक्ट कॉलम पार्ट्स देखिए लेफ्ट साइड में लिखना है और यूज लिखना है उसका जिसको आप टच कर सकते हैं ठीक है ना आप एक गो मैं बता दे रहा हूँ ओके जैसे कीबोर्ड कीबोर्ड का यूज़ क्या होता है उसको टच कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं उसको इनपुट देने के लिए कंप्यूटर्स को इनपुट देने के लिए यूज करते हैं दूसरा तीसरा चौथा आपको जितना है आप बताइए उसका यूज ठीक कमेंट में बताइएगा ज़रूर नेक्स्ट पेज में चलते हैं नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड इन इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर्स ऑफ द कंप्यूटर लैब और द कंप्यूटर अलोटेड टू यू इन द लैब एंड अल्सो राइट द पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर मतलब एक्टिविटी है कि आप उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए जो आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल्ड है ओके okay. जिसको आप यूज कर रहे हैं लैब में या फिर आपको मिला है लैब में यूज करने के लिए और उस सॉफ्टवेयर का पर्पस भी लिखिए कि, कि किस लिए उसको रखा गया है कंप्यूटर में तो इस तरह से सॉफ्टवेयर को लिखिएगा तो पहला सॉफ्टवेयर है जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम बता दे रहा हूँ ओके जैसे एम एस एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो उसका यूज क्या होता है एम एस ऑफिस है उसमें क्या होता है ऑफ़िस में एम एस ऑफिस में ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एक्सेल पावर पॉइंट वो सारे इंस्टॉल होते हैं और सब का यूज़ क्या होता है डेटा हैंडल के लिए मतलब डेटा को हैंडलिंग करने के लिए तो सपोर्ट हमको कुछ डेटा स्टोर करके रखना है तो वो सब का कैलकुलेशन के लिए डेटा को कैलकुलेट करना है उसका लिस्ट बनाना है ओके एम्प्लो मतलब अटेंडेंस बनाना है सपोज एम्प्लॉय का तो उसके लिए सब का यूज़ होता है अब पूछ रहा है कैन यू टच दॉफ्टवेयर क्या आप टच कर सकते हो सॉफ्टवेयर को तो ये डेफिनेटली नहीं हम लोग सॉफ्टवेयर को नहीं टच कर सकते हैं सिर्फ हम लोग टच कर सकते हैं हार्डवेयरस को ओके okay? अब डोबो बोलता है डोबो के मन में फिर एक सॉफ्ट क्वेश्चन आ गया वाई इज इट नेसेसरी टू हैव सॉफ्टवेयर अब सॉफ्टवेयर क्यों होता है ज़रूरी क्यों है सॉफ्टवेयर बोल रहा है ये अब टोबो थोड़ा तेज है इसीलिए बोलता है देखिए क्या बताता है ये टोबो ए ह्यूमन बॉडी विदाउट थाट्स इमोशंस एंड इंटेलिजेंस इज लाइक अ मशीन इज ए इज लाइक अ मशीन मतलब ह्यूमन बॉडी विदाउट इमोशंस और इंटेलिजेंस के एक मशीन की तरह है ओके okay? अगर इमोशंस नहीं है मतलब हंसी नहीं है खुशी नहीं है तो ये सब क्या है एक मशीन ही है इंसान भी इट कैन नॉट फील एंड टेक एक्शन तो ये फील भी नहीं करेगा कोई एक्शन भी नहीं करेगा कुछ भी कर लो थ्रू थॉट्स थाट्स गाइड अस हाउ टू डू डिज़ायर्ड वर्क और थाट्स गाइड करता है कि कैसे हमें वर्क को करना है ओके okay? इन सेम वे इन द सेम वे कंप्यूटर्स हैव पार्ट्स विच कैन विच कैन सी एंड टच कॉल्ड हार्डवेयर्स तो कंप्यूटर में ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं देख सकते हैं उनको बोलते हैं हार्डवेयर्स टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ दिस पार्ट्स कंप्यूटर नेट सॉफ्टवेयर इसके कामों को कंट्रोल करने के लिए मतलब इसके वर्क्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर को वी कैन नॉट टच सॉफ़्टवेयर हम लोग टच नहीं कर सकते जैसे ना हंसी किसी की हंसी को आप टच कर लीजिएगा नहीं ना तो ये सब क्या है इमोशंस है फीलिंग्स है उसी तरह कंप्यूटर्स का भी रहता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते ओके तो चलिए आगे हैंडस ऑन लेट्स पिप इनसाइड दिस्टम सिस्टम यूनिट मतलब सिस्टम यूनिट को देखते हैं ओके व्यू द मूवी चेकिंग द लिंक इस लिंक को देख करके आप मूवी देख सकते हैं ओके कि कैसे सिस्टम यूनिट के इनसाइड रहता है मैक लिस्ट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट शोन इन द मूवी और उस मूवी में देख करके लिखिए क्या क्या कंपोनेंट्स में हार्डवेयर का दिखाया हुआ है ओके okay? तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं रिसर्च एक्टिविटी फाइंड आउट व्हाट है टू द कंप्यूटर और सेल फोन विच इज थ्रो और डिस्कार्डेड बाई पीपल ओके पता करने बोल रहा है क्या होता है उन कंप्यूटर का या सेल का जिनको आदमी लोग यूज नहीं करता फेंक देता है या फिर डिस्कार रहता है ओके उसको क्या करता है आदमी लोग पता कीजिए अपने आसपास कि किसी का पुराना फ़ोन है तो वो क्या कर रहा है उसका ओके और लिखिए और इस असेसमेंट एक्टिविटी मुझे लग रहा है आप ख़ुद कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप ये पूरा वीडियो देखे हैं तो आप जरूर डेफिनेटली कर लीजिएगा जैसे नेम स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर ओके उस डिवाइस का नाम लिखना स्टोरेज डिवाइस का जिसको स्टोर करने के लिए सबका यूज़ होता है ओके इस स्टोर करने के लिए यूज होता है और राइट द नेम ऑफ ये सब सारा ईजी आप कर लीजिएगा ओके और थैंक्स फॉर वाचिंग पूरा देखिए और ये आपसे रिक्वेस्ट है जरूर दो बार देखिए ये वीडियो तभी आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी जाने उनको डोबो की तरह मत रखिए टोबो की तरह बनाइए और आप भी टोबो की तरह तेज़ रहिए ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग किप शेयरिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू